हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सिया राम। चलिए चर्चा करते हैं आज आप 12 राशि का दिन कैसा रहेगा, साथ ही लक्की कलर लक्की नंबर भी जानेंगे। आज के दिन की विशेषता की भी चर्चा कर लेते हैं। आज 7 अगस्त है, दिन सोमवार का है, अधिक मास का सोमवार है। आप सभी को चाहिए कि जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं तब उसके बाद थोड़ा सा हरी मूंग और साथ में जौ शिवलिंग के ऊपर अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आर्य समस्याओं का अंत तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब चर्चा करते हैं 12 राशि वालों के राशि फल की। सबसे पहले चर्चा करते हैं आप मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज आपकी राशि में गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बन रहा है, परंतु राहु की उपस्थिति भी वहां पर है। ऐसे में आपको थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ करके लेने की आवश्यकता है। पूजा पाठ धर्म कर्म काल में आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा है। मित्रों के साथ किसी बात पर आपकी बहस हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो अब आपको वो शुभ समाचार मिलने ही वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हैं, परंतु किसी परिवार के सदस्य की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट का तो बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं। आप सभी मेष राशि वालों को चाहिए कि दिन को और उत्तम बनाने के लिए भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरह से मिले। लकी नंबर 9 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सबके लिए रेड कलर, व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर। अब चर्चा करते हैं आप वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज आपके 12वें भाव में गुरु चंद्रमा और राहु का संयोग बना हुआ है। ऐसे में आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं। यात्राएं थोड़ी सी कष्टदायी हो सकती हैं, परंतु यहाँ आपके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे अच्छे बने जो आपके भविष्य में ज्यादा काम आएंगे। मकान वाहन खरीदना सुंदर योग तो बना हुआ है, परंतु सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, अन्यथा यहाँ पर आप ठगे जा सकते हैं। विद्यार्थियों के दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। रिश्तों की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ तो आज आपकी किसी बात पर बहस हो रही है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि आप खिलाड़ी हैं या राजनीति फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर दिन आपके लिए उत्तम बना हुआ है। आज आपका आत्मबल बहुत ज्यादा प्रबल है। पूजा पाठ धर्म कार्य में आपका मन भी लग रहा है। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, सोच समझ करके ही निवेश करें। करियर की चर्चा करें तो आज बॉस के साथ या काम करने वालों के साथ आपकी किसी बात पर अनबन हो सकती है, ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करें। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आज अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए लकी नंबर 5 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सबके लिए है पिंक कलर, ग्रीन कलर। अब चर्चा करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए धन लाभ की स्थिति लेकर आ रहा है। कहीं न कहीं से धन का आगमन हो रहा है, आपके आय में वृद्धि हो रही है, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। करियर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले करियर में आज आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। प्रमोशन चाहते थे तो उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं। यदि आप जॉब सर्च कर रहे थे तो आज आपके किसी मित्र के द्वारा आपको नई जॉब के बारे में पता लग सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने का भी बहुत सुंदर योग बना हुआ है। रिश्तों की चर्चा करते हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने के प्लान भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा है। और साथ ही आपको अपने रिश्ते पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ आपका मन भटक रहा है। किसी थर्ड पर्सन के एंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा आपके जीवन में। आप सभी मिथुन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सबके लिए है येलो कलर, पिंक कलर एंड ग्रीन कलर। अब चर्चा आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज केसरी योग का निर्माण आपके लिए सुखता प्रदान करने वाला है। रुके हुए पुराने सभी कार्य आपके पूरे हो रहे हैं और साथ में करियर भी आज आपका 4 चांद की तरह चमक रहा है। जी हाँ, यदि आप प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे या फिर नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो मिलने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आज आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा चमकदार है। लोग आपकी बातों से और आपके हाव भाव स्वभाव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है, परंतु अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा
सलाह दी जाती है, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के दिन बहुत उत्तम है, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बनाए, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है जीवन साथी के साथ ही। आज आपको आपके भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ तो आप अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। आप सभी कर्क राशि वालों को चाहिए कि बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यदि आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दिन आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आप सभी कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ और ज्यादा मिले ऐसा करने के लिए लकी नंबर 1 का जरूर उपयोग करें। लकी कलर आज आप सभी के लिए है येलो कलर, व्हाइट कलर एंड रेड कलर। अब चर्चा आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों आज आपके भाग्य में गुरु चंद्रमा और राहु का योग बना हुआ है, शनि की तीसरी दृष्टि है। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि बिना बात के टेंशन नहीं लेंगे और छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें जो आपको हर्ट कर रही है दूसरों की। साथ ही आज आपको अपने आलस्य का त्याग भी करने की आवश्यकता है। जीवन साथी के दो चार बातों को सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। जीवन साथी का तालमेल पर ध्यान देने की बहुत विशेष आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर आपके मन में बहुत ज्यादा भटकाव की स्थिति है। आपका ध्यान गलत रास्ते पर जा रहा है। ऐसे में आपको रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। आज आंखों में आपको कष्ट हो सकता है। व्यवसाय यदि आपका पार्टनरशिप में है तो यहाँ आपको अपने पार्टनर की बातों को सुनने की जरूरत है। साथ ही करियर की चर्चा करें तो करियर में आज थोड़ा सा यहाँ पर आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है। ऐसे में सोच समझ करके ही अपने सभी डिसीजंस ले और अपनी प्लानिंग सभी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। आप सभी सिंह राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 1 और लकी कलर आप सबके लिए है पिंक कलर। चर्चा आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों यदि आपका कोई पुराना मुकदमा चला आ रहा था बहुत समय से, कोर्ट के केस थे, तो अब वहाँ पर निर्णय आता हुआ आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं है। जीवन साथी के साथ रिश्तों पर ध्यान दें, साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने जा सकता है। आज आपके मन में भटकाव की स्थितियां यहाँ बनी हुई है क्योंकि शुक्र मंगल और बुध का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। यात्राएं करनी पड़े, यात्रा आपके शुभ कार्य, सभी प्रकार के सुखों का आप आनंद उठा रहे हैं। धन लाभ की स्थितियां भी मजबूत बनी हुई हैं आपके लिए। यदि विदेश यात्रा करना चाहते तो उसके सुंदर समय आ चुका है। विद्यार्थियों को आलस का त्याग करने की जरूरत है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपको करियर से रिलेटेड ही यात्राएं करनी पड़ी। यदि आप विदेश जाना चाहते थे जॉब के लिए तो उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं। व्यवसाय की चर्चा करें तो व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बनी हुई है। आप सभी कन्या राशि वालों को चाहिए कि दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है ग्रीन कलर। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों आज आपके सप्तम भाव में गुरु राहु चंद्रमा गोचर है, पंचम भाव में शनि का गोचर यहाँ दर्शा रहा है कि अपनी संतान के साथ तालमेल पर ध्यान दे। संतान के फ्यूचर को लेकर आप ज्यादा यहाँ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मिला जुला परिणाम दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर आपके बीच में बहस हो रही है, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ में अभी भी आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है। आज मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, किसी मित्र के घर पे आगमन भी आपका हो रहा है। करियर की चर्चा करें तो आपके दशम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और दशम के स्वामी का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। ऐसे में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे उसके सुंदर योग बने हुए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते तो लाभ की सुंदर स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। राशि के स्वामी का गोचर आपके लाभ स्थान में हो रहा है जहाँ मंगल और बुध पहले से विराजमान है, तो यहाँ पर लाभ की स्थितियां तो बनी परंतु खर्च भी आपके थोड़े से ज्यादा है। ऐसे में खर्चों पर ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। व्यवसाय की चर्चा करें तो बिजनेस में आज लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। आप सभी तुला राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन सभी निर्णय सोच समझ करके लकी नंबर 7 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर और साथ में आप चाहे तो पर्पल कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा चिंतापूर्ण दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।
खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ आपको पेट में तकलीफ महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखें। आज आपको छोटी छोटी बातों की चिंता हो रही, मूड स्विंग की तकलीफ भी दे रही है। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखने आवश्यकता है। सरकारी कार्यों में आज आपको यहाँ पर तेजी दिखाई देगी। व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थिति बनी हुई है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आपके लिए यहाँ पर मिला जुला परिणाम वाला दिन रहेगा। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 4 का जरूर प्रयोग करें। अब चर्चा धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों, आज आपके पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी गुरु का और चंद्रमा राहु का योग बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक बात के ध्यान देना है कि किसी अजनबी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। विद्यार्थियों का दिन तो बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। हायर एजुकेशन यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते तो सुंदर योग बन चुके हैं। भाग्य स्वामी और गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति यहाँ बनी हुई है। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें। पिता को बीपी जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। व्यवसाय में सुंदर लाभ की स्थितियां बनी हुई। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं तो लाभ आपको आज बहुत अच्छा हो रहा है। करियर की चर्चा करें तो करियर में काम का प्रेशर थोड़ा यहाँ पर ज्यादा है। ऐसे में आपको थोड़ा प्लानिंग करके चलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। साथ ही शनि का गोचर आपके तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों पर ध्यान दें और भाग्य की गति को और स्पीड लाने के लिए आपको चाहिए लकी नंबर 5 का जरूर उपयोग करें। और लकी कलर आप सभी के लिए है ऑरेंज कलर और रेड कलर। अब चर्चा आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज आपके चतुर्थ भाव में गुरु चंद्रमा गज के श्री योग बना हुआ है। लाभ की सुंदर स्थितियां हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हो रही। पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य में सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा ले रहे हैं। परंतु यहाँ पे शुक्र मंगल और बुध की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। यात्राएं संभाल करके करें, चोट चपेट नहीं लगे इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको अपने वाणी का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना है। वाणी स्थान में शनि का गोचर हो रहा है। आज आपको अपने चेहरे पर किसी तरह चोट नहीं लगे इस बात का ध्यान देना है। परिवार के सदस्यों में थोड़ी सी कलहपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपको संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय में लाभ की आज सुंदर स्थितियां हैं। करियर की चर्चा करें तो करियर में भी आज आपको मिला जुला परिणाम प्राप्त हो रहा है। आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 1 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर और ग्रीन कलर। अब चर्चा करते हैं आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके राशि में आज शनि का गोचर हो रहा है। साथ ही आपके पराक्रम स्थान में चंद्रमा गुरु का गज के श्री योग बना हुआ। राहु की स्थिति भी वहां पर है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग सदुपयोग करें, बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आज आपके तालमेल पर विशेष रूप से ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपको भी आज नसों में दर्द की तकलीफ महसूस हो रही है। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बने हुए। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के साथ यहाँ पर आज आपके किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। बात कहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए इस बात पर ध्यान जरूर रखेंगे। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ में आपके रिश्ते तो अच्छे बने हुए, परंतु आज किसी थर्ड पर्सन के एंट्री की वजह से आप अपने जीवन साथी पर डाउट करें, ऐसा नहीं करें। विद्यार्थियों का दिन उत्तम बना हुआ है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, उसके सुंदर योग बने हुए हैं। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 8 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है पिंक कलर। अब चर्चा आप मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज आपके द्वितीय स्थान में परिवार के घर में गुरु राहु चंद्रमा का योग बना हुआ है। परिवार के बीच में आज आप बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों को पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने का भी योग बना हुआ है। यदि आप विवाह योग हैं तो यहाँ के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आ रहे हैं। विद्यार्थियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही। यात्राएं करनी पड़ी, यात्राएं थोड़ी कष्टदायी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने सामान का अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज खर्च थोड़ा ज्यादा है। आय से कहीं ज्यादा खर्च होने की वजह से
आने वाले फ्यूचर में समस्या ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही आज किसी को लोन नहीं देंगे, यदि आप लोन देंगे तो यहाँ आपको दिए हुए पैसे रिटर्न मिलने मुश्किल हो जाएंगे। आज आपको अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए चाहिए कि लकी नंबर 8 का जरूर उपयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर और येलो कलर।